5G. आज से पहली चीज भाई फोन में 5G. इस वाले पेज पे 5G स्मार्टफोन भाई. बैक साइड में वो फोन आ रहा है, काफी G31 वाली फील दे रहा है जो अभी टेस्ट कर रहा हूं. साइज में ही बड़ा है. कपड़े के साथ कवर लगा के एंट्री आ रही है भाई. USB टाइप सी केबल. ये 20 वोल्ट का चार्जर भाई. आवाज सुन लो यार. मोटो G51. कवर तो सही लग रहा है भाई, जो स्टैंडर्ड हमारे आते हैं. ये हमारी सिम इजेक्टर पिन. G31 जो ट्राई करा था उसमें मस्त टेक्सचर अच्छा था, इसमें कुछ नहीं. बट सिम निकाल के देखिए, दो सिम. ये लंबी वाली सिम की ड्राइवर जैसे कि देख सकते हैं, लाल लाल ले लगा हुआ. ये बेसिकली पानी से सुरक्षित रखने के लिए, हल्की हल्की छींटे मारने तो चल जाएगा. IP52 रेटिंग है. सबसे पहली चीज, जैसी आप हाथ में पकड़ो, एक काफी बड़ा सा स्मार्टफोन आपको फील होगा. और इजेक्टर ट्रे है, ऊपरी साइड पे छेद दे रखा है माइक्रोफोन के लिए. एक पावर बटन है, अंगूठा जिसपे छाप के अपना फोन लॉक हो जाएगा. वॉल्यूम अप डाउन और एक छोटा सा बटन दे रखा है, इसको दबा के देखिए. ओ, गूगल वाला बटन है भाई. नीचे की तरफ हेडफोन, वेरी वेरी नाइस. यूएसबी टाइप सी का स्लॉट और एक स्पीकर लगा रखा है प्लास्टिक, और यही सेम प्लास्टिक बॉर्डर्स में भी. और ऑल्दो पूरा प्लास्टिक है, बट हाथ में पकड़ने एक स्टर्डी और मतलब एक अच्छी सी फील दे रहा है. एक ग्रेडिएंट टाइप फिनिश दे रखी है. नीचे की साइड पे थोड़ा सा डार्क है, ऊपर की साइड पे थोड़ा सा लाइट है. अलग अलग ऐसी लाइट में करोगे थोड़ा सा फर्क पता चलेगा. LCD पैनल मिल रहा है, जो डेफिनेटली काफी तगड़ी चीज है. और जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज का है, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा है. बट एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, जो इसका डिस्प्ले है, ये 6.8 इंच का डिस्प्ले है. पकड़ने में भी अगर आप देखो तो एक्चुअली भाई काफी